भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। क्या है? माँ की परिभाषा हमें हिंदी बताती है। असली पैर चलने का सहारा तो दे सकते हैं, दौड़ने में रफ्तार असली पैरों से ही आती है। सुबह माँ के भजन हो या रात में दादी की लोरिया, हमारा क्वाक का बिस्तर सदा हिंदी दिखाती है। नमस्ते, आज 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस। हिंदी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। आज कोरोना जैसी महामारी के कारण हम इसे पिछले वर्षों की तरह मना नहीं सकते, लेकिन आज हिंदी है हम नामक प्रोग्राम द्वारा हम इसे छोटे अंश में इसका महत्व को उजागर करेंगे। हिंदी दिवस की गरिमा में मैं दिया रिजो और मैं हरिता हरिगोविंद हमारे माननीय प्रधानाचार्य श्रीमती सुजाता मेनन, उप प्रधानाचार्य श्रीमती मीरा सत्यन, प्राइमरी हेड श्रीमती सुजाता मुरली, शिक्षकगण, छात्र छात्राओं, शुभ चिंतकों तथा सभी अभिभावकों का स्वागत करते हैं। दिया, तुम्हें मालूम है हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी एक समृद्ध भाषा है जो उदार, सहिष्णु, ग्रहणशील और राष्ट्रीय चेतना की वाहिका है। अच्छा, तो हिंदी देश की आत्मा है, हिंदी जनमानस की भाषा है। हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा सन 1918 से है, जब महात्मा गांधी ने हिंदी सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसी सम्मेलन में ही गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा बुलाया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज दुनिया का 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। इतना ही नहीं, आईटी विभाग में भी हिंदी का प्रचलन खूब जोर शोर से हो रहा है। चलो हरिदा, हिंदी दिवस से संबंधित एक कविता सुनते हैं। भारत की है बोली हिंदी, हम सब की हमजोली हिंदी, हिंदी की है बात निराली, यह है हर भाषा से प्यारी। की है ये सब बात, सब करते इसकी ही बात, अनपढ़ हो या शिक्षित कोई, इससे है परिचित हर कोई। हम सब की है अभिलाषा, हिंदी हो हम सब की भाषा, सदा करे इसका सम्मान, इससे है भारत का मान। सदा करे इसका सम्मान, इससे है भारत का मान। आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्रगुण का है। महात्मा गांधी। हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने माँ के विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। हिंदी का प्रचार और विकास कोई रोक नहीं सकता। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। श्री राजगोपाल आचार्य। प्रांतिक ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी किसी दूसरी चीज से नहीं मिल सकती। सुभाष चंद्र बोस। नमस्ते, हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं कि हिंदी का प्रचार और प्रसार हो सके। हर दिन जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो हम कहते हैं हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सो मेरा आपसे निवेदन है कि हिंदी पढ़ें, हिंदी पढ़ाएं
भारतवर्ष की सेवा करें और देश की महानता बढ़ाएं। नमस्ते। आपके शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अच्छा, अब हम एक नृत्य का आनंद लेते हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब क्या बताओ डॉक्टर साहब, तबीयत तो पहले से ज्यादा ही खराब हो गया। दवाई खा ली थी क्या? नहीं, दवाई की बोतल तो भरी हुई थी। मेरे कहने का मतलब था कि दवाई ले ली थी क्या? हाँ, आपने दी, मैंने ले ली। हे भगवान, जो दवाई मैंने दी थी वो पी ली थी क्या? नहीं, दवाई तो लाल थी। अरे क्या करो इस बेवकूफ का, जो दवाई मैंने दी थी उसे पी लिया था क्या? अरे नहीं डॉक्टर साहब, पी लिया तो मुझे था। जो दवाई मैंने दी थी उसे मुंह में लगाकर पेट में डाल लिया था क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बोतल का ढक्कन बंद था। तो उसे खोला क्यों नहीं? आपने ही तो कहा था कि बोतल का ढक्कन बंद रखना। हे भगवान, इस पेशेंट से मुझे बचा ले। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अब मुझे ये तो बताओ कि मैं ठीक कैसे होंगी।
डॉक्टर। हेलो, क्या हुआ आपको? बस एक मिनट, मैं जरा एक सेल्फी ले लेती हूँ। मैं जरा इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देती हूँ। हैशटैग डॉक्टर, हैशटैग बीमार, हैशटैग प्रे फॉर मी, हैशटैग आई एम इन हॉस्पिटल पोस्ट। सॉरी डॉक्टर, मैंने आपको लेट करवाया, एक्चुअली मुझे पोस्ट डालना भी बहुत जरूरी था। अच्छा अच्छा डॉक्टर, एक्चुअली कल रात से मेरे स्टमक में बहुत पेन हो रहा था। क्या खाया था कल रात को? I ate hamburger, pizza, french fries and coke. जरा अपना शो ऑफ कम करोगी? ये हॉस्पिटल है, कोई फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम नहीं। अब पेट और खून के टेस्ट के बाद सब सामने आ ही जाएगा, तो सच में क्या खाया था बता दो। डॉक्टर वो करनी। अब आई ना तुम लाइन पर। डॉक्टर आपने तो मैंने इंसल्ट करवा दी सबके सामने, अब मैं इस हॉस्पिटल में कभी नहीं आऊंगी। इसी प्रकार कक्षा में भी बच्चों को हमेशा हंसाने वाली हिंदी विभाग की वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती वृंदा प्रदीप की बातों को सुनते हैं। सबको सादर प्रणाम और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। अब इस दिन के महत्व पर हमारे छात्र एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं। आज की सामाजिक स्थिति हम सब जानते हैं भयानक है। कोविड वायरस के कारण देश में एक और डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स जैसे भले मानस इस वायरस के विरुद्ध युद्ध करके हमारे संरक्षण में निरत है, तो दूसरी ओर हमारे वीर धीर सैनिक देश की सीमाओं पर शत्रुओं से लड़ रहे हैं, वो भी प्रतिकूल वातावरण में। इस अवसर पर इन दोनों विभागों के जन सेवकों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अपने तन मन प्राण बलिदान करके मानव सेवा में जुड़े हुए उन सेवकों को एक बड़ा सल्यूट देते हुए हम भारतीय विद्या भवन पुचटी के अध्यापक यह प्रोग्राम हिंदी है हम उनके नाम पर समर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।
होना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। आशा है आप सबको हिंदी रहम कार्यक्रम पसंद आया होगा। जय हिंद।